नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आपको बताते चले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि उनकी मांगों को मान लिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पहले दो चरणों में ये परीक्षा होनी थी 20 और 22 सितंबर को, तो अब जब एक चरण में परीक्षा होगी तो ये तारीख कौन सा होगा। तो आपको बताते चले कि बीपीएससी ने इसके लिए भी लेटर जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि आयोग तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार से जो परीक्षा है वो 21 तारीख को ली जाएगी और ये परीक्षा जो है 21 तारीख को सभी जिलों में ली जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें साफ साफ क्या लिखा है। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 20/9/2022 एवं 22/9/2022 को अर्थात दो चरणों में आयोजित होना था। सरकार के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को एक चरण में परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के निर्देश के पश्चात आयोग के द्वारा इस परीक्षा को एक ही चरण में कराने का निर्णय लिया गया है। अब ये परीक्षा दिनांक 21/9/2022 यानी कि 21 सितंबर को बुधवार दिन बुधवार को आयोजित होगी। विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। यानी कि पहले जो प्रकाशित की गई थी सूचना उसमें ये साफ साफ लिखा था कि 20 और 22 को ये परीक्षा होगी क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सेंटर का इंतजाम हो सके इसलिए दो चरणों में परीक्षा ली जा रही है और चार जिला में परीक्षा नहीं ली जा रही थी जिसमें एक पहला गया था क्योंकि वहाँ पर पितृपक्ष मेला चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर और तीन और जिले के नाम थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर सभी एक ही चरण में अगर परीक्षा हो रहा है तो छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अब ऐसे में बिहार में कौन कौन से जिले में परीक्षा केंद्र का आयोजन किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि क्या बिहार से बाहर भी इस परीक्षा का आयोजन हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विस्तृत जानकारी अभी तक बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। आने वाले समय में यानी कि एग्जाम से पहले आपको सारी जानकारी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जब विस्तृत जानकारी आती है तो देखा जाएगा कि कौन से जिले में एग्जाम है, कितना सेंटर बनाया गया है। ये सब भी एकदम महत्वपूर्ण बात है ताकि छात्रों को काफ़ी सुविधा हो, काफ़ी आसानी हो, ताकि वो जब परीक्षा देने जाए तो उनको कोई तकलीफ ना हो। आपको बता दें कि पिछली बार जब बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया था जिस वक्त पेपर रद्द हुआ था तो उस वक्त बच्चों को काफ़ी परेशानी थी, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब काफ़ी मुश्किलें हुई थी। तो अब देखने वाली बात हुई थी कि प्रशासन इस लेवल पर क्या कुछ तैयारी करता है, इस लेवल पर क्या कुछ छात्रों को सुविधा देता है, क्योंकि दोबारा जिस तरीके से परीक्षा की बात की गई, छात्रों की जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनी और उसका समाधान किया, इससे छात्रों में काफी खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह है कि परसेंटाइल बेसिस को खत्म कर दिया गया है, पुराने फॉर्म में ही परीक्षा होगा जैसे पहले होता था। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये चीजें होती हैं तो आखिरकार कब पूरी जानकारी विस्तृत जानकारी आयोग जारी करता है और कौन कौन से जिले में एग्जाम लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।